नमस्कार सबको। मैं आशा करूंगी आप सब बहुत अच्छे हैं। वैसे आज इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाली हूं आज राहु केतु ट्रांजिट के बारे में, राहु केतु के चलन के बारे में। देखा जाए तो राहु केतु का नाम जैसे ही कोई सुनता है तो लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन असलियत में ये जो दो ग्रह हैं ये आज के युग के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। और 23 मार्च यानी 23 मार्च 2019 से राहु केतु का चलन यानी ट्रांजिट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सबके लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल होगा, बहुत सारे चेंजेस होंगे, कुछ पॉजिटिव होगा और कुछ नेगेटिव भी होगा, लेकिन डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत बदलाव आएगा। ये दोनों ग्रह बदलाव लेकर आते हैं और हमारे जीवन के लक्ष्य से हमें जोड़ते हैं। सो 23 मार्च से राहु जाएगा जेमिनाई यानी मिथुन राशि में और केतु जाएगा सैजिटेरियस यानी धनु राशि में, और ये 18 महीनों तक वहीं रहेगा। सो 19 सितंबर 2020 तक राहु केतु अपने इसी स्थान पे रहेंगे। सो राहु नॉर्मली हमें कुछ अचानक कोई फायदा या नुकसान करवाता है, जबकि केतु हमारे पास लाइफ में किए कर्म का फल हमें देता है। अब चलिए बात करेंगे 18 महीने कैसे रहेंगे। हम ये जानेंगे आपके लग्न के हिसाब से ये प्रडिक्शन है, तो अगर आपको अपना लग्न पता नहीं है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं अपना आपका लग्न क्या है, किसी सॉफ्टवेयर से पता लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको पता है तो आप देख सकते हैं। पहले मेष लग्न, राहु जाएगा आपके तीसरे घर में और केतु जाएगा आपके बर्थ चार्ट के 9वें घर में। तो अभी आप बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करेंगे, इच्छा शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, आप एक रेबल जैसा फील करेंगे, मीडिया कम्युनिकेशन मार्केटिंग फील्ड में आप बहुत अच्छा करेंगे, भाई बहन से काफ़ी बॉन्डिंग होगी और बहुत सारा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी करेंगे। आपके प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन राहु के कारण आप उसे सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है वृषभ लग्न, राहु आएगा आपके बर्थ चार्ट के दूसरे घर में और केतु जाएगा आपके अष्टम घर में। आप इनकम के लिए नए रास्ते ढूंढेंगे, आप चाहेंगे कि आपका इनकम आपका वेल्थ और भी ज़्यादा बढ़े, आप चाहेंगे कि आप खुद से कुछ करें, अपने दम पे कुछ करें। हो सकता है कि आप कुछ अनकन्वेंशनल यानी ऐसा रास्ता अपनाएंगे जो नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, वो करके आप पैसे कमाने को ट्राई करेंगे। अपने स्पीच चेहरा का इस्तेमाल करके आप पैसे कमा सकते हैं। हो सकता है मॉडलिंग में जाएं, या फिर हो सकता है आप एंकर बने, या फिर आप रेडियो जॉकी भी बन सकते हैं, इस तरीके का रास्ता भी अपना सकते हैं। लेकिन जब आप पैसे कमाने को ट्राई करेंगे आपको दिक्कतें आ सकती है, लेकिन आप डटे रहिए, आपका फायदा होगा। खर्चा बहुत होगा, सेविंग्स नहीं हो पाएगी, ध्यान रखिए अपना, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ नेगेटिव चीज़ें जैसे कि आप झूठ बोल सकते हैं, गाली देने को बहुत मन करेगा, लेकिन आपको थोड़ा कंट्रोल में रहना है, शांत रहना है। वैसे केतु के कारण आपके इन-लॉज से आपका झगड़ा हो सकता है, ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट आ सकता है, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है जिसका रीज़न आपको पता नहीं चलेगा, और कोई एक्सीडेंट या सर्जरी भी हो सकता है पर आप इससे बच निकलेंगे। नेक्स्ट है कर्क लग्न, अगर आपका लग्न कर्क है तो फिर राहु जाएगा आपके 12वें घर में 12th हाउस में और केतु जाएगा आपके 6ठे घर में, यानी आप किसी फॉरेन लैंड को ट्रैवल कर सकते हैं, विदेश की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी विदेश में हैं तो वहाँ सेटल होने को ट्राई करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, डेली रूटीन के जो काम है रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उससे आप थोड़े चिड़चिड़ रहेंगे, आपको मन नहीं करेगा करने के लिए, और हो सकता है आप किसी अफेयर या रिलेशनशिप में आ सकते हैं। आपका बहुत सारा खर्चा भी होने वाला है आपका, तो ज़रा ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कॉम्पिटिशन को लेकर आप बहुत मेहनत करेंगे, इरिटेट हो सकते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेगा। कोई शत्रु आपके लाइफ से चला जा सकता है, वो बहुत टाइम से जिसे डील कर रहे थे, फाइनली वो आपके उसका पत्ता कट जाएगा, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ज़रा ध्यान रखिए, आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ड्राइव करते वक्त केयरफुल रहिए, हेल्थ का ख्याल रखिए, आपके कोलीग से आपका झगड़ा हो सकता है, ऑफिस में अपने सीनियर्स को खुश करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेडिटेशन प्रेयर या फिर डोनेशन चैरिटी से रिलेटेड काम के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पर आप उनसे बच जाएंगे। वैसे डिवोर्स के चांसेस हैं, सो आपको अपने मैरिटल लाइफ जो है उसको ध्यान से संभाल के रखना है। सिंह लग्न, अगर इस आपका राहु जाएगा 11वें घर में और केतु जाएगा आपके 5वें घर में, तो आपको कोई अचानक से कोई लाभ मिल सकता है, और अगर शेयर मार्केट में पैसे लगाएं तो आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको बहुत इंटरेस्ट होगा कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, इसमें आपकी बहुत बढ़ोतरी होगी। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में ध्यान लगाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए पर
आपका फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल बहुत बढ़ जाएगा। हो सकता है कोई पावरफुल दोस्त आपको मिले जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्रिएटिविटी, रोमांस, एंटरटेनमेंट, पार्टी या बच्चों से रिलेटेड चीज़ें करने को आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। हो सकता है आपके लाइफ में कोई लव अफेयर शुरू हो, और अगर ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में है तो आपके ब्रेकअप होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर इस टाइम पे कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है तो तुरंत डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, फिर आपको कमिटेड होना है। कन्या लग्न राहु जाएगा आपके 10वें घर में और केतु जाएगा आपके 4थे घर में। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल गेन मिलेगा। पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। करियर में बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। किसी पुराने काम को दोबारा कर सकते हैं या पुराने ऑफिस को दोबारा रीजॉइन कर सकते हैं। फैमिली से थोड़ा डिटैच हो जाएंगे, स्पेशली आपकी मॉम शायद बहुत बिजी रहेगी तो आपको टाइम नहीं दे पाएगी, या फिर उनसे दूर जाना पड़ सकता है। चिंता मत कीजिए, बिकॉज 18 महीनों के बाद आप वापस आएंगे। फैमिली और करियर के बीच खींचतानी होगी। आपको किसी मेट्रो या बड़े शहर में जॉब का ऑफर आ सकता है, लेकिन आपको अपने स्मॉल टाउन या गांव छोड़ने का मन नहीं करेगा। आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मैं घर छोड़ के बाहर जॉब करने जाऊं या घर पे रहूं, लेकिन फाइनली आपको एक बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ेगा। वर्क प्लेस में प्रॉब्लम आ सकता है, पेरेंट्स की तबीयत खराब हो सकती है, बी केयरफुल। वैसे आप स्पिरिचुअल होंगे और थोड़ा आइसोलेटेड फील करेंगे अपने घर में, डोंट वरी, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेगा। अब मैं बात करूंगी तुला लग्न के बारे में। तो जिन लोगों का तुला लग्न है उनका राहु जा रहा है 9th हाउस यानी 9वें घर में और केतु जा रहा है 11th हाउस में। तो इनका क्या होगा, ये लोग बहुत ट्रैवल करेंगे, काफ़ी फॉरेन ट्रैवल या ट्रिप्स पे जा सकते हैं। इनको स्पिरिचुअलिटी में एक सडन इंटरेस्ट आएगा। हो सकता है उन्हें कोई स्पिरिचुअल गुरु मिल जाए उनको, लेकिन देर इज़ अ चांस कि उनको जो गुरु मिलेगा वो शायद रियल गुरु ना हो, फेक गुरु हो, तो ज़रा केयरफुल रहिए। रिलीजन को लेके बहुत कुछ सोचेंगे, बहुत लोग रिलीजन अपना बदलना चाहेंगे, कुछ लोग रिलीजन के खिलाफ भी सोच सकते हैं क्योंकि राहु का काम रेबल करना होता है। लक आपको फेवर करेगा, आपको काफ़ी सारा धन भी मिलेगा इस टाइम में और बहुत वेल्थ भी अक्वायर करेंगे। आपके जो बॉसेस हैं, आपके गुरु हैं, हो सकता है आप उनके खिलाफ जाने को सोचे, उनके अगेंस्ट जाने को सोचे, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी ऐसा ना करें। आपको इस टाइम में अपने आप को इस चीज़ से कंट्रोल करके रखना है। केतु जो 11th हाउस में, इसके कारण हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल से कोई कट हो जाए, कोई चला जाए, आपसे दूर हो जाए, लेकिन हो सकता है ये आपके अच्छे के लिए हो, तो फिर आपको इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। आपका इनकम, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन इनकम होके भी आपको इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको कोई खुशी शायद महसूस नहीं होगी। हो सकता है आपका कोई विश पूरा हो, लेकिन विश पूरा होके भी आपको लगेगा कि यार ठीक है, अब हो गया है तो हो गया है, मतलब आप बहुत नॉर्मल फील करेंगे। आपका एक बड़ा सा ख्वाहिश पूरा होगा पर उसके बाद भी आप नॉर्मल फील करेंगे। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डिटैचमेंट हो सकता है, हो सकता है आप शादी से थोड़ा मतलब दूर हट जाए, या फिर आप किसी चीज़ में बिजी रह जाए, मैरिड लाइफ अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम ना दे पाए, ऐसा हो सकता है। जो लोग प्रेगनेंसी के एक्सपेक्टेशन में, हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो, उनका कोई बेबी हो सकता है, ये टाइम बहुत ही बढ़िया टाइम है बेबी होने के लिए। वैसे आपका करेज, आपका जो विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा इस टाइम में, और आप अपने आप पे भी बहुत ध्यान देंगे इस वक्त, एक्सरसाइज करेंगे, अपने सोशल स्टेटस को लेके बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, और फिजिकली भी आप फिट रहना चाहेंगे। वृश्चिक लग्न राहु जाएगा आपके 8वें घर में और केतु जाएगा आपके 2nd हाउस यानी दूसरे घर में। आपका मूड चेंज होगा, आपको योगा, स्पिरिचुअलिज्म, तीर्थ यात्रा में जाने को मन करेगा। अपने फैमिली से इमोशनली या फिजिकली थोड़ा डिटैच्ड होंगे। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो या कहीं दूर चले जाएं, कुछ अननेसेसरी खर्चा हो सकता है, टैक्स, इंश्योरेंस, पीएफ को लेके कुछ काम करेंगे। बेवजह किसी कॉन्फ्लिक्ट में जा सकते हैं, ज़रा शांत रहिए, इतना टेंशन क्यों लेना भाई। आपको कोई इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी या पैसा मिल सकता है, सडन गेन या एक्स्ट्रा मनी मिल सकता है। रिसर्च का काम जो करते हैं साइंटिस्ट, अगर आप हैं तो आपको इसमें बहुत लाभ मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा रिसर्च करेंगे, उसके रिलेटेड जॉब भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप में आने के चांसेस हैं, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि अगर कुछ गलत करते हैं तो आपके पकड़े जाने का भी चांसेस है, सो जस्ट बी केयरफुल। धनु लग्न राहु जाएगा आपके 7वें घर में और केतु आपके 1ले लग्न में आ रहा है, तो आप स्टॉक मार्केट, बिजनेस पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड होंगे, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए।
आप इसे रिलेशनशिप में आ सकते हैं। नए दो स्ट्रेंजर से आपकी बहुत मुलाकात होगी। रिलेशनशिप की बात करूं तो एक ऐसा रिलेशनशिप आ सकता है जिसमें एक एज गैप हो, या तो वो आपसे बड़े हैं या छोटे हैं, या फिर कोई कास्ट, रिलीजन या स्टेट, इस तरीके का कोई डिफरेंस हो, जैसे वो किसी दूसरे कम्युनिटी के हों। और ये जो रिश्ता है ये शादी तक जाने के चांसेस है, आप चाहेंगे कि उनसे शादी करें। आपके पर्सनालिटी स्टेटस में कुछ चेंजेस आएंगी, आप एक्सरसाइज, हेल्थ, डाइट पे फोकस करेंगे। जो लोग मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस भी आ सकते हैं, सो अवॉइड कीजिए, आपको धोखा हो सकता है। आपके स्टेटस में कुछ लॉस हो सकता है, आइडेंटिटी लॉस फील कर सकते हैं, कुछ नुकसान होगा आपके स्टेटस या आइडेंटिटी में, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि आपको कुछ नया भी मिलेगा उसके बाद। इस टाइम पे अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं आप जल्दी सीख जाएंगे। मकर लग्न राहु जाएगा आपके छठे घर में और केतु जाएगा आपके 12वें घर में। आप इस टाइम पे, राहु जब छठे घर में रहता है, कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन राहु का, तो आप अपने शत्रुओं से जीतेंगे। अगर आपका कोई लोन है उसे भी भर पाएंगे, और कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, सबका आप एकदम बहुत अच्छे से सामना कर पाएंगे। अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत टाइम से कोई हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा था तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके रिलेटेड कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपका आ सकता है। लिटिगेशन, कोर्ट केसेस आ सकते हैं, लेकिन उसको भी आप, उन केसेस में आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मिलेगी जिनसे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और आपको इसमें सक्सेस भी मिलेगा। इसे कहा जाता है महाभारत के पांडवों के बर्थ चार्ट में राहु छठे घर में है, तो उन्होंने शत्रुओं को हराया था, उनको मदद मिला था, तो बिल्कुल वैसा सिचुएशन होगा आपका। बहुत बढ़िया टाइम है आपके लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में भी अच्छा करेंगे, बहुत स्पिरिचुअल फील करेंगे और थोड़ा डिटैच भी फील करेंगे। आप फॉरेन ट्रैवल, लॉन्ग जर्नी में जा सकते हैं, वहाँ पे आप आइसोलेटेड जगह में जा सकते हैं, आप एक अलग जोन में जाएंगे एक तरीके से कह सकती हूँ, और आपका कुछ लॉसेस भी होगा, लेकिन ओवरऑल इन सारे चीज़ों से आपको कुछ नया एक्सपीरियंस मिलेगा। कुंभ लग्न राहु जाएगा आपके 5वें घर में और केतु जाएगा आपके 11वें घर में, तो इससे क्या होगा, आपके फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल से कुछ लॉस हो सकता है, आप दोस्तों से अलग हो जाएंगे, रोमांटिक अफेयर्स काफ़ी सारे आएंगे आपके लाइफ में, लव इंटरेस्ट काफ़ी रहेगा, बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, आप कुछ क्रिएटिव भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स, डांस जैसी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट ज़रूर आएगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए एक अच्छा टाइम है सीखने के लिए। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ करेंगे, कुछ कोर्स कर सकते हैं या कोई पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा पढ़ सकते हैं जो कोई ऐसे ज्ञान, आपको एक कुछ ऐसा नॉलेज मिल सकता है जो बहुत अनयूजुअल हो, जो नॉर्मल लोग नहीं पढ़ते हैं, कोई डिफरेंट टाइप का कोर्स कर सकते हैं आप इस टाइम पे। वैसे इस वक्त आपको पैसे कमाने का इतना ज़्यादा मन नहीं करेगा, और हो सकता है आपके छोटे भाई या बहन से आप ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना चाहेंगे। ग्रुप से रिलेटेड काम आप इतना एंजॉय नहीं करेंगे, लेकिन आपको बहुत फेम मिलेगा, जो फेम के फील्ड में, एक्टिंग फील्ड में हैं या फिर एंटरटेनमेंट सेक्टर में सिंगर हैं, डांसर हैं, उनको काफ़ी फेम मिलेगा। लाइफ पार्टनर के प्रॉपर्टी को आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, कोर्ट से रिलेटेड चीज़ों में केयरलेस होंगे। जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, प्रेग्नेंट हो सकते हैं, हो सकता है आपको एक बेबी मिले, और कुछ लोग बेबी अडॉप्ट भी कर सकते हैं इस टाइम में। इस टाइम में आपको कोई प्रॉफिट या कोई गेन मिलेगा, बहुत बढ़िया गेन मिलेगा, लेकिन शायद आप, मतलब वो मिलके भी आपको कोई खुशी महसूस नहीं होगी, आप थोड़े डिटैच रहेंगे इन चीज़ों से। अब चलिए आखिरी लग्न यानी मीन लग्न के पास चलते हैं, तो इनका राहु जाएगा 4वें घर में और केतु आएंगे 10वें घर में, तो करियर से थोड़ा डिटैच्ड हो सकते हैं, कुछ लॉस हो सकता है करियर का, जैसे कि हो सकता है कि कोई जॉब चला जाए, लेकिन तुरंत आपको एक नया करियर या नया जॉब गेन भी होगा, नया जॉब मिलेगा। और अगर आपको नहीं भी मिलता है तो बदले में आप अपने घर में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, हो सकता है आप फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, कोई नया प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, गैजेट खरीद सकते हैं। अपने माँ से रिलेशन में थोड़ा अटपट होगा, लेकिन ओवरऑल आपका रिलेशन बाद में ठीक भी हो जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। हो सकता है आप अपने होमलैंड या होम टाउन से दूर हो जाएं, आपको कहीं बाहर जाना पड़े, अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है आपको। पॉलिटिक्स में जो इंटरेस्टेड है उनके लिए अच्छा टाइम है, वैसे भी इलेक्शन का टाइम है, तो वो स्पेशली अपने होम लैंड में, अपने होम टाउन में बहुत अच्छा करेंगे, वहाँ पे अगर वो इलेक्शन लड़े उनके लिए अच्छा है। घर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे आप, बहुत टाइम घर पे ही रहेंगे, घर का सामान खरीद सकते हैं, घर में आप शांति ढूंढेंगे, स्पिरिचुअल फील करेंगे,
आपके लिए ओवरऑल फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, करियर आपका थोड़ा बैकसीट लेगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस होगा और ओवरऑल आपके पर्सनैलिटी और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों ये वीडियो था राहु केतु ट्रांजिट 2019 में जो हो रहा है, 23rd मार्च 2019 से 19 सितंबर 2020 तक। तो एक 18 महीने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड है। मैं सबको विश करूँगी कि आप इस टाइम का बेस्ट उपयोग करिए, आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस होंगी, बहुत खुशियाँ मिले आपको, यही आशा करूँगी। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।